हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, बट यस, ये क्वेश्चन ना बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, है ना? इसको कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर बॉक्स इंटू एक्स, वेयर बॉक्स ऑफ एक्स स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन आपको इसमें से ऑप्शन चूज करने हैं, है ना? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सी चीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लो आपसे पूछा जाए, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि 3.95 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 3 हो जाएगा, है ना? और अगर आपसे पूछा जाए कि -3.95 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, यस, इस केस में कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? सो -4 हो जाएगा, है ना? जब नेगेटिव होता है ना, तो माइनस करके और एक माइनस करके लिख देते हैं। जब पॉजिटिव होता है तो ये जो आता है आपका इंटीजर वही हो जाता है, बट -3.95 के केस में आपको क्या लिखना होता है? -4, -3, -1, करेक्ट? कैसे होता है, हमने आपको बता रखा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे टूटता है? एक्स प्लस, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को आपको तोड़ना है, तो अंदर में अगर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होना, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो यहां से आपका इंटीजर आउटपुट आता है ना? अब जैसे -3.95 है, -3.95 को आप कैसे लिख सकते हो? तो इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है, तो -4 प्लस 0.5, है ना? अब इसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा? -5। दैट्स वाई यहाँ पे -4 हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है? चलो अब देखो, आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर कॉस पाई स्क्वायर। अब देखो पाई का ऑब्वियसली वैल्यू, पाई बराबर कितना होता है? 3.14, है ना? 3.14 अगर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई थिंक 9.85 के अराउंड आना चाहिए, एंड इसका एक्स प्लस, अभी हो जाएगा कॉस -9.85 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू एक्स। सिंपल सा है ना? अब इसके बाद आप क्या लिखोगे यहां से? सो दिस विल बी कॉस, अब देखो 9.85 है तो ऑब्वियसली यहां से 9x हो जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा? कॉस -10 इंटू एक्स। अब कॉस माइनस थीटा आपको पता है, कॉस थीटा हो जाता है, दैट मीन्स यहां से आ जाएगा कॉस 9x एंड प्लस कॉस 10x, एंड दिस इज योर एफ एक्स। अब आपको एफ एक्स आ चुका है, सो एफ एक्स कितना है आपका? सो एफ एक्स है आपका कॉस 9x प्लस कॉस 10x, कॉस 9x प्लस कॉस 10x। अब आप हर एक ऑप्शन चेक कर लो, सबसे पहला एफ पाई बाई टू है ना, एफ पाई बाई टू, अगर एफ पाई बाई टू का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहे, सो कॉस 9π/2 प्लस कॉस यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 × π/2, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा आपको? कॉस 9π/2, पाई बाई टू का अगर ऑड मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज जीरो होता है कॉस के केस में, एंड यहाँ से 2 5 कॉस 5π, जब कॉस आपका ये चीज आप ध्यान रखो ऑलवेज, कॉस एन पाई है ना, कॉस एन पाई, एन जब ऑड होगा ना तो कॉस एन पाई का वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज -1 होगा, एंड एन जब इवन होगा तो ऑलवेज वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, ध्यान रखना है। तो कॉस 5π क्या हो जाएगा? -1, यानी इसका -1 आंसर। क्या ये है? तो यस, ये करेक्ट है। अब एफ पाई फाइंड आउट कर लो जरा, सेकेंड अगर आप एफ पाई फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये कॉस 9π एंड प्लस कॉस 10π, कॉस 9π देखो ये ऑड का मल्टीपल है तो इसका -1, ये इवन का है तो +1, सो 0। क्या ये है हमारे पास? नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड है आपका एफ माइनस पाई, है ना? जरा देखिए एफ माइनस पाई, अगर एफ माइनस पाई फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस 9π, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा ही हो जाता है, एंड कॉस 10 - π, तो अगेन 10π लिख सकते हो। सो दिस इज -1 एंड दिस इज 1, सो दिस इज 0, यानी ये वाला चीज हमारे पास करेक्ट है। अब पाई बाई फोर चेक कर लो जरा, एफ पाई बाई फोर, एफ पाई बाई फोर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस 9π/4 प्लस कॉस यहाँ से 10 × π/4। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सो कॉस 9π/4 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? कॉस 2π + π/4,
फोर टू जा एट प्लस वन नाइन, एंड कॉस टू पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस पाई बाई फोर हो जाएगा एन। अब ये देखिए कॉस टेन पाई बाई फोर यानी टू फाइव एंड टू टू जा, सो फाइव पाई बाई टू यानी कॉस फाइव पाई बाई टू इज जीरो, तो ये तो जीरो ही हो गया, सो दिस इज जीरो, एंड कॉस पाई बाई फोर हमें पता है वन बाई रूट टू हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। सो हमारे पास ऑप्शन निकल कर आ चुका है ना, नाइन पाई बाई फोर को हमने लिखा कॉस टू पाई प्लस पाई बाई फोर, कॉस टू पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा, एंड कॉस पाई बाई फोर का वैल्यू वन बाई रूट टू होता है, राइट। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।